नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप सभी लोग का हमारी एक और न्यू और शानदार गेम प्ले वीडियो में, जहां पे आज हम लोग एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं यार एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल में विंटर वारफेयर। एंड भाई आज तो मेरी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज आप देख सकते हो यार आज मैं जो है जंप मास्टर बन चुका हूँ। एंड मैं कैपिटल सिटी में ही हमेशा की तरह उतरूंगा, बिकॉज मेरा एक टीममेट जो है वहाँ पे ही मार कर रहा है, तो हम जो है वहीं पे उतरने वाले हैं। एंड ये मोड खेलने का मेन मकसद यार ये था कि मेरे को ना डायमंड की ज़रूरत है, क्योंकि अभी एक इवेंट चल रहा है जहाँ पे आप लोग मैप से डायमंड कलेक्ट करके वहाँ पे कुछ आइटम्स को एक्सचेंज कर सकते हो। एंड वहाँ पे मेरे को एक गन की स्किन पसंद आ गई थी, तो उसी को मुझे एक्सचेंज करना है, इसलिए मैं इस वाले मोड को खेल रहा हूँ। एंड देखते हैं यार हम लोग इस वाले मोड में कितने डायमंड कलेक्ट कर सकते हैं, क्या मैं वाली गन को ले पाऊँगा। बाकी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लूट करते हैं, मे बी हम लोग को डायमंड मिल सकते हैं। वैसे मुझे लग रहा है यहाँ पे आसपास कोई क्रेट है यहाँ पे डायमंड की, बिकॉज मैप पे ऑलरेडी शो कर देता है, बट यहाँ पे अभी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गन को जो है यहाँ पे लूट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे सामने ये क्रेट है, सबसे पहले इसकी सॉरी इस वाली क्रेट को खोल के देखते हैं। भाई कोई भी गन नहीं है इसमें, कोई भी गन नहीं है, बस मेडिकिट पड़ी थी, और इस वाली क्रेट में शायद हम लोग को गन मिल जाए। ओ भाई ये क्या, इसमें भी अपने को क्रेट नहीं मिली, बट कोई बात नहीं। ओके अभी एक क्रेट और है, तो इस वाली क्रेट को ओपन करके देखते हैं, मे बी यार हम लोग को इसमें जो है मिल सकता है। बट ओ नो भाई, मतलब इस वाले में भी हमें गन नहीं मिली। मैंने यहाँ पे तीन क्रेट खोली और तीनों की तीनों में मेरे को गन मिली नहीं। तो अभी अब मेरे को यहाँ पे कैपिटल सिटी में जाना पड़ेगा, घर पे ही जाके मेरे को लूट करनी पड़ेगी अगर मेरे को गन चाहिए। बस मेरे पास यहाँ आसपास कोई बंदा ना है, क्योंकि अगर कोई बंदा आसपास हुआ ना मेरे, तो वो मेरे को निपटा देगा, बिकॉज मेरे पास कोई भी गन नहीं है। तो सबसे पहले ओके सर, यहाँ पे एक डायमंड की क्रेट भी है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डायमंड को लूटेंगे, उसके बाद जो है जाके गन उठाएंगे। एंड यहाँ पे ना बहुत सारे बंदे उतरते हैं, तो मेरे को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आसपास कोई बंदा ना आ जाए यहाँ पे। तो सबसे पहले लूट करते हैं। ओके यहाँ पे गन पड़ी हुई है, बट ये वाली मैं इतना ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, तो मेरे को यहाँ पे ढंग की गन ढूंढनी पड़ेगी। एंड आसपास बंदे भी हैं, पास में ही बंदे मेरे, तो सबसे पहले आज जल्दी से यहाँ पे लूट कर लेते हैं जो आसपास मेरे आके मेरा ही काम ख़त्म कर दें। ओके तो मेरे सामने यहाँ पे गन पड़ी है, मेरी फेवरेट तो नहीं कह सकते, बट मेरे को पसंद है इसको भी चलाना, R99। एंड यहाँ पे इसकी एमओ भी कलेक्ट कर लेते हैं। ओके तो अपना काम यहाँ पे हो चुका है। और ये क्या भाई, ये कौन सी गन आ गई, आज मैं R99 ही चलाने वाला हूँ। ओके तो अब मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ से निकलना चाहिए। एंड यहाँ पे मैंने जो है उस वाली गन को उठा लिया था दोबारा से, इसलिए मैंने उसको चेंज किया। तो अब चलते हैं यार, आसपास ही हैं बंदे हमारे, तो एक दो बंदों को निपटाते हैं चल के। मे बी मेरे वो टीममेट से फाइट ले रहे हैं, बस कोई मेरा टीममेट निपटे ना वहाँ पे, जो हमारा काम और बढ़ जाए। बाकी वैसे अच्छे टीममेट्स हैं, मुझे लग रहा कि वो वहाँ पे नॉक डाउन होंगे, बट फिर भी यार भरोसा नहीं कर सकते यार, हम अपने अलावा किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते, तो केयरफुल रह के चलेंगे वहाँ पे। एंड यहीं पे ही बंदे, आसपास ही हैं बंदे। ओके ये ब्लड हाउंड है यहाँ पे, शायद इसको निपटाते हैं, उसका ध्यान उधर पे है, तो हम लोग इसका फ़ायदा उठाने वाले हैं। ओके भाई मैंने उसको दो गोली मारी, एंड उसको पता ही नहीं चला कि मैं उसके पीछे खड़ा हूँ, इसीलिए उसका काम निपट गया। तो इसके डब्बे में कौन सी चीज़ें, ओके सेम गन लिया था ये भी। ओके तो अभी अपने को जो है ना लूट की अभी और ज़्यादा आवश्यकता है, बट यहाँ पे बंदा है सामने, तो सबसे पहले हम जाके उसको निपटाएंगे। तो कहाँ पे है बंदा, शायद ऊपर है। ओके कहाँ पे है, ओके वो सामने ही है। तो बस 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 बहुत हुआ, लेवल वन का वेस्ट है उसके पास, फिनिश कर दिया हमने उसको, बट पूरा फिनिश करना है हमें इसको। चलो आज इसको गोली से ही मारेंगे, लेकिन नहीं नहीं भाई ये बार बार शील्ड लगा रहा है, तेरी तो रुक फिनिशर ही देते हैं इसको, क्योंकि इसका टीममेट आसपास है ही नहीं, तो इसको फिनिशर देते हैं यहाँ पे। एंड इसका काम यहाँ पे फिनिश हो चुका है। इसके डब्बे में क्या आइटम है उसको लेते हैं, निकलते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई और बंदा है नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है, तो निकलते हैं यहाँ से हम लोग। ओके तो आज जो है हम लोग पहली बार ड्रॉप लूटने वाले हैं, काफ़ी समय बाद नहीं यार, पहली बार ही है मैं यहाँ पे ड्रॉप लूटने वाला हूँ। एंड मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ क्रेबर ही मिले मुझे। ओके भाई यहाँ पे मेरे को क्रेबर मिल चुकी है, एंड आज जो हम लोग स्नाइपरिंग करने वाले हैं, बिकॉज बहुत टाइम हो चुका है स्नाइपरिंग नहीं करी हमने, पहली बार ही कर रहा हूँ, बहुत टाइम क्या हुआ, पहली बार ही कर रहा हूँ भाई। तो यहाँ पे तो कोई बंदा है नहीं है, तो चलते हैं जहाँ पे बंदे हैं। ओके तो इधर पे मेरे टीममेट्स के पास यार काफ़ी ज़्यादा फाइट हो रही थी, तो वहीं पे चलते हैं, बिकॉज हम लोग को बंदे ही नहीं मिल रहे थे यार काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ। ओके ओके एक मिनट बातचीत होगी बाद में, पहले इसका काम फिनिश करना पड़ेगा, बिकॉज मेरी पूरी शील्ड डैमेज कर दी इसने। कहाँ पे, ओके बैंगलोर है वो, तो फिनिश करते हैं, बाय बाय। तो भाई लेवल बनता वेस्ट है तो दिक्कत नहीं है, धुआं धुआं करके बच जाओगे क्या। देखो मेरे सामने ही खड़े होके भाई शील्ड चार्ज कर ली इसकी, तो थोड़ा तो दिमाग लगा ले।
ओके फिनिश। और कोई बंदा है क्या आसपास? मे भी है यहाँ पे और भी बंदे यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा कि नहीं है भाई। अच्छा इनका स्क्वाड था, मेरे टीममेट्स ने उनको फिनिश कर दिया। तो इसके डब्बे में क्या है, लूट करते हैं यहाँ पे और निकलते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई और बंदा है नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ कोई भी नहीं यहाँ पे, तो निकलते हैं यहाँ से। के भाई यार कोई बंदा तो आ जाए यहाँ पे जिसको मैं स्नाइपर से फिनिश करूँ। ओके इधर पे स्क्वाड है। ओके तो यहाँ पे मैं अब जो स्नाइपर का यूज़ करने वाला हूँ। ओके ये है ऑक्टेन और उसका मैंने काम फिनिश कर दिया। एंड ये कॉस्टिक भी यहाँ पे, इसको भी स्नाइपर से ही मारेंगे। बट शॉट कनेक्ट नहीं हो रहा भाई मेरा, क्या गुंडा बनूंगा रे मैं। लेकिन अब बनूंगा क्योंकि मैंने दोनों को जो है यहाँ पे इससे नॉक डाउन किया। और ये तीसरी बची है, इसको फिनिश करेंगे। कहाँ पे छिप गई थी? तो ओ भाई थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा भी वहाँ पे वो रुक जाते हैं तो उसका काम हो जाता। बट अभी अपने को यहाँ पे शॉर्ट रेंज वाली गन यूज़ करनी पड़ेगी। वहाँ पे तेरी तो बस बहुत हुआ, फिनिश बाय बाय। ओके तो यहाँ पे तीनों बंदों का काम जो हम लोगों ने निपटा दिया यहाँ पे। एंड शील्ड भी चार्ज करनी ज़रूरी है, बिकॉज यार तीन लोग से फाइट ले में मेरी यहाँ पे शील्ड जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी। तो सबसे पहले यहाँ पे अपनी शील्ड चार्ज करते हैं। एंड इनके स्क्वाड का भी हम लोगों ने यहाँ पे सफाया कर दिया है, तो यहाँ से निकलना पड़ेगा बिकॉज और कोई स्क्वाड यहाँ पे है नहीं है मेरे को ऐसा लग रहा है। तो निकलते हैं हम लोग यहाँ से। ओके तो इधर पे मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि बंदा है। एंड है भाई आसपास बंदा है, बट वो है कहाँ पे? ओके ऊपर, ये शायद कौन है, इसका नेम मैं भूल चुका हूँ। क्या इसका नाम, इसका नाम क्या भाई, इसका नाम मैं भूल चुका हूँ। जिप लाइन वाला इसका, अच्छा हाँ पाथफाइंडर। बाय बाय, मारने से पहले इसका नाम याद आ गया। एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे बंदे, मे बी इसका स्क्वाड है यहाँ पे, तो आराम से निपटाएंगे इनको। बट केयरफुल रहना पड़ेगा जो हमारा ही काम हो जाए भाई यहाँ पे। बट सबसे पहले यार इसको हम लोग निपटा देते हैं, जो कोई बंदा आके इसको रिवाइव देते हैं तो सबसे पहले इसको निपटाएंगे, बाद में जाके उन बंदों से हम लोग फाइट लेने वाले हैं। तो कहाँ गई है? ओके बाय बाय पाथफाइंडर, सॉरी। ओके इसके डब्बे में कुछ काम का आइटम नहीं था। एंड इधर पे बहुत सारे बंदे भाई, वो मेरे टीममेट से शायद फाइट ले रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे एक दो का काम निपटाना पड़ेगा। बट केयरफुल होके भाई, क्योंकि पूरा स्क्वाड है उनका और मे बी यहाँ पे रश करना मेरे लिए भारी पड़ सकता है। कि एक बंदा नॉकडाउन फिनिश कर दिया मैंने उसको, बट निकलना पड़ेगा बहुत ही जल्द यहाँ से मुझे। भाई बाल बाल बचा वहाँ पे, मैं बिल्कुल ही सही टाइम पे वहाँ से निकल आया था। बट मेरे को यहाँ पे कवर लेना पड़ेगा सबसे पहले, एंड अपनी शील्ड चार्ज करनी पड़ेगी बिकॉज बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे दिया था यार उन लोगों ने मेरे को। तो यहाँ पे मेरे को यार सबसे पहले शील्ड चार्ज करनी है अपनी। ओके तो अभी इनका स्क्वाड कहाँ पे है, कोई है भी आसपास? ओके निकल गए क्या वो लोग वहाँ से? एक को तो मैंने वहाँ पे नॉकडाउन कर ही दिया था। ओके मेरे टीममेट्स के पास वहाँ पे फाइट चल रही है, तो वहीं पे चलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यार वो लोग निकल चुके हैं वहाँ से जोन से। ओके ओके एक मिनट कौन है तेरी? तो नेता बन रहा था हमारे सामने, रुक इसकी तो अभी फिनिश करते हैं इसको। पर है कहाँ पे? ओके ये है इधर पे। ओके बाय बाय भाई, बहुत सारा डैमेज पड़ गया उसको, एक दो गोली का रह गया बस वो। अरे भाई क्या ही हो रहा है ये इसकी तो। ओके टीममेट ने उसको फिनिश कर दिया। भाई कहाँ पे चले गए बंदे यार, इतने सारे बंदे थे यहाँ पे, एक भी बंदा नहीं बचा। और मैं एक भी किल, ओके अभी एक बंदा है यहाँ पे, वो है उसको फिनिश करते हैं। हाँ गया सही तो, बस बाय बाय। भाई क्रेबर मज़ेदार गन है भाई, बहुत ज़्यादा मज़ेदार गन है, बिकॉज एक गोली से आप लोग एनिमी का खात्मा कर सकते हो एंड अच्छा खासा डैमेज दे सकते हो अगर उसके पास लेवल 3 या फिर लेवल 4 का वेस्ट है तो भी। तो मेरे को यार काफ़ी ज़्यादा मस्त लगी। अगर आपको स्नाइपरिंग आती है तो डेफिनेटली भाई आप इसका यूज़ करो, बिकॉज अलग ही मज़े भाई इसको यूज़ करने के। तो इसको यूज़ करना तो बनता है। बट इधर पे मेरे टीममेट्स के पास फाइट चल रही है, तो मेरे को यहाँ पे जाना पड़ेगा। आप लोग की बातों की चक्कर में मैं भूल जाता हूँ। तो सबसे पहले उधर पे चलते हैं भाई, और एनिमी है यहाँ पे वो, अच्छा दो ही स्क्वाड बचे हैं, एक मेरा है और एक एनिमी का है। अबे तेरी तो, कौन है डैमेज दे रहा इसकी तो, कौन है इधर से दे रहा इसकी तो? गिब्राल्टर है, इसको फिनिश करते हैं। बाय 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 बाय। कहाँ भाग रहा है ये, क्या हो गया भाई? मतलब आखिरी बंदे को मैं यहाँ पे मार ही नहीं पाया और यहाँ पे हम लोग बन चुके हैं एक बार फिर से चैंपियन। तो सबसे ज़्यादा किसने किल करे हमारे स्क्वाड में, सबसे पहले वो देखते हैं। ओके तो यहाँ पे इस बंदे ने इस बार बाजी मार लिया, इसने 10 किल कर दिए, मेरे 9 किल हैं। एंड डैमेज भी भाई उसका बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हो 2000 के 2300 के आसपास था, जो कि काफ़ी अच्छा है।
उसने जितने किल करे उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है उसका ये। बाय द वे यार, आप लोग को कैसा लगा गेम प्ले मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी लोगों से यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।